electric supply of fire affected areas. अगर हम बात करेंगे जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए उसमें सबसे पहले वी शुड नेवर यूज सबस्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. हमें सबस्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या अंडर मैट्स हम कभी कभार क्या करते हैं, हमने एक्सटेंशन लगाया होता है तो जो उसकी वायर होती है वो हम कारपेट के नीचे से लेते हैं तो हमें फिर पता नहीं चलता है कि हम उस पर इथाइल मरकर. इसी तरह दूसरा तरीका जो है बिकॉज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कूलिंग इफेक्ट व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर जो इसकी विशिष्ट बच्चा गिर जाएगा उसको क्या करेंगे हम उसको नहीं उसको जाकर बाहर ले आएगा ठीक है लॉस्ट तो वहां पे हमने उसको वहीं छोड़ना है बाहर आ जाना है. बाहर आके हमने पहले ही बता दिया आपको अगर 30 फीट की बिल्डिंग है 60 फीट हमने वहां डिस्टेंस लेना है. अगर बच्चा गिर जाएगा उसको क्या करेंगे हम उसको नहीं उसको जाकर बाहर ले आएगा ठीक है लॉस्ट तो वहां पे हमने उसको वहीं छोड़ना है बाहर आ जाना है. बाहर आके हमने पहले ही बता दिया आपको अगर 30 फीट की बिल्डिंग है 60 फीट हमने वहाँ डिस्टेंस लेना है. उसको हमें स्पेस की जरूरत है. दो चीजें आपस आई एम करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड एमरजेंसी श्रीनगर. जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फायर अवेयरनेस वीक चल रहा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है फ्रॉम 14th of April to 20th of April. ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था ऑन 14th of April 1944 तो उस ट्रैजिक इंसिडेंट से काफ़ी फायरमैन डाई हो गए उनकी जाने गई तो उनको होमेज या ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. और साथ ही साथ इस फायर जो हमारा फायर सर्विस वीक होता है इसके साथ साथ हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. बीइंग द फ्रंट लाइन डिपार्टमेंट हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं एंड इन डिफरेंट स्कूल्स. हमारा ये पूरा हफ्ता चलता है. हम लोगों को अवेयर करते हैं आग कैसे लगती है और उससे क्या बुझाने के तरीके होते हैं और साथ ही साथ हम लोगों को अवेयर करते हैं. हर साल की तरह इस साल भी जो नेशनल फायर सेफ्टी काउंसिल है उसका एक थीम होता है. इस साल का जो थीम है दैट इज़ लर्न फायर सेफ्टी एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. अगर हम फायर सेफ्टी से हम प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें पता है कि जो वर्क प्लेस जैसा स्कूल है कॉलेज है हॉस्पिटल है इट इज़ वेरी इट लाइज विद द अथॉरिटी ऑफ द स्कूल हॉस्पिटल कि एक वर्क प्लेस को सेफ रखें. तो उसके लिए स्कूल अथॉरिटीज़ को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें क्योंकि जो ही आग लगती है तो उनको पता नहीं होती है कि आग को बुझाना कैसे है. तो फायर सेफ्टी होने से क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा क्योंकि अगर फायर सेफ्टी हमने नहीं रखी है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स फेटल इंजरीज हो सकती है तो उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है. सेकेंड थिंग इज़ कि उससे लॉस ऑफ इनकम होगा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा. तो जो इस साल का थीम है इट क्लियरली स्टेट्स कि फायर सेफ्टी लर्न करो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो किसी भी वर्क प्लेस. सर कुछ दिन आगे जाके वहाँ पे थोड़ा कुछ इंटरनल मसला है तो कोई नहीं वो हम देख लेंगे कि उसको कैसे वापस सेटअप करना है वो हम देख लेंगे. देखो सबसे ज़्यादा जो आग कश्मीर में लगती है वो विंटर टाइम में लगती है. उसका खास रीज़न ये भी होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विंटर में और LPG का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. जो सबसे ज़्यादा रीजंस हमें मिलते हैं कि आग किन की वजह से लगती है वो यही दो चीज़ें हैं LPG प्लस दिस और प्लस हम ज़्यादा जो हमारे कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होती है वो वुडन नेचर की होती है. तो उसके हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करें तो हमें किन किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है. हमें सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करनी है. हमें एक इक्विपमेंट को तभी यूज़ करना है जब उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से यूज़ हो रहा हो. और साथ ही साथ जैसे LPG की बात हुई तो हमें पता होना चाहिए कि उसको लीकेज कैसे डिटेक्ट करना है उसको क्या बोलते हैं इसको LPG फायर को कैसे बुझाना है ये हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए. जब पहले ही पता नहीं होगी इन चीज़ों के साथ टैकल कैसे करना है तो जो छोटी सी छोटी आग होती है वो फिर मेजर आग में तब्दील होती है. अगर हमें पहले ही पता होगी कि इनिशियल स्टेज में इसको कैसे कंट्रोल करना है तो वो फाइनली बड़ी आग में तब्दील नहीं हो सकता. मैसेज टू देम
जो हमारा फायर सेफ्टी पर्सनल होता है, जो जो आग बुझाता है, जैसे फायरमैन हमारे होते हैं, तो दे आर हाईली प्रोफेशनल पीपल. दे हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये खाली आग पे पानी फेंकना काफ़ी नहीं है. उसके लिए पूरा एक नॉलेज होना चाहिए कि आग जो पानी है वो किस डायरेक्शन में फेंकना है, कहाँ पे फेंकना है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर टेंडर होता है उसमें भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है. तो लोगों को भी ध्यान रखना है कि फायर सेफ्टी पर्सनल जो है वो उनको अपना काम करने दें. वी हैव सीन मेनी टाइम्स कि जो लोग हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो दे स्नैच फायर होजेस फ्रॉम द फायर पर्सनल. सो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है.